इस विंटर सीजन में हम क्रिएट करेंगे ये स्वेटर लुक जिससे आप अपनी किसी भी एनिमेशन या इमेज को इजीली एक स्वेटर वाली फील दे सकते हो इस लुक को हम पूरा आफ्टर पैक्स में बनाने वाले हैं विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी प्लग और इनफैक्ट हम इसे एक प्रीसेट की तरह बनाने वाले हैं ताकि आप इसे सिंपली किसी भी और एनिमेशन या आर्टवा के साथ इजिली रिप्लेस कर पाओ इस प्रीसेट को डाउनलोड करने के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड नाउ बिफोर यू ओपन आफ्टर पैक्स मैं आपको बताना चाहूंगा मैं पिछले दो महीने से आफ्टर पैक्स का एक बेहतरीन कोर्स डिजाइन कर रहा था जो कि अब ऑलमोस्ट परसेंट अपलोड भी हो चुका है इस कोर्स को मैंने स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए बनाया जहां मैं इस आफ्टर पैक सॉफ्टवेयर को जीरो से लिटरली हंड्रेड तक समझा रहा हूँ इसके सारे टूल्स पैनल बटन ऑप्शन टिप्स एंड ट्रिक्स वर्क एंड मच मोर तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल के साथ

नाउ लेट्स कम बैक टू आवर स्वेटर लुक कॉम्पोजिशन और यहाँ हम इस कॉम्पोजिशन के ऊपर हम अपना स्वेटर लुक क्रिएट करेंगे या मैं सबसे पहले एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करूंगा प्रेसिंग कंट्रोल प्लस प्लस ऑल्ट वाई रीनेम करेंगे स्वेटर लुक और अब इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे सीसी बॉल एक्शन इफेक्ट या मैं इफेक्ट्स ऐड करने के लिए वीडियो को पायलट का एक फ्री थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है एफेक्स कंसोल इसके बारे में और जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो अब इस इफेक्ट को ऐड करते ही हम यहाँ अपने आठ व कोच छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड होता हुआ देख सकते हैं और अगर मैं इस इफेक्ट में आके इस बॉल साइज को छोटा करूं तो यहां ये बॉक्सेस एक्चुअली में सर्कल्स है लेट्स मेक इट अराउंड 60 और अब इसके ऊपर अगर मैं इस ग्रिड स्पेसिंग को भी चेंज करूं तो यहां हमारी बॉल्स का साइज छोटा हो रहा है लेट्स मेक इट अराउंड सिक्स और अब इसके बाद हम यहाँ एड करेंगे वेव वॉर्प इफेक्ट जैसे अभी यहाँ ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग से हमारे आर्टवर्क को कुछ इस तरह से वेव्स में कन्वर्ट कर देगा अगर मैं अपना सीसी बॉल एक्शन इफेक्ट बंद करूं तो यहाँ आप इस वेव वॉप का इफेक्ट हमारे आर्ट वर्क पर भी देख सकते हो और अगर मैं इसे प्रीव्यू करूं तो यहाँ डिफॉल्ट से इसमें मूवमेंट भी एडेड है तो सबसे पहले तो हम इस मूवमेंट को बंद करेंगे बाय चेंजिंग दिस वेव स्पीड टू और अब मैं इसकी वेव टाइप चेंज करूंगा आई चूज दिस टाइप और अब अगर मैं अपने सीसी बॉल एक्शन को वापस से ऑन करूं और यहाँ जूम इन करूं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी ये कर्व ऑलमोस्ट तीन से चार बॉल्स के बाद आ रहा है बट हमें अभी ये कर्व हर दो सर्कल के बाद चाहिए तो वो करने के लिए मैं इस वेव और परफेक्ट की वेथ को कम कर सकता हूँ समथिंग अराउंड फोर्टीन इज लुकिंग गुड या इसकी हाइट को भी कम करेंगे आई थिंक सेवन इज लुकिंग गुड बट यहाँ भी कुछ जगह हमारा ये पैटर्न थोड़ा खराब सा बन रहा है या लेफ्ट साइड पे ये पैटर्न ठीक बन रहा है बट यहाँ यह थोड़ा खराब सा लग रहा है और इनफैक्ट अगर मुझे ये पैटर्न थोड़ा छोटा भी करना हो और वो करने के लिए अगर मैं इस ग्रिड स्पेसिंग को चेंज करूँ तो समथिंग लाइक फोर तो अभी यहां इसे वापस से ठीक करने के लिए हमें इसकी हाइट और विड्थ को फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा और यहां इसे ऐसे रफली एडजस्ट करने से कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत भी आ सकती है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस हाइट और विथ को इस ग्रेड स्पेसिंग के साथ लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सिंपल एक्सप्रेशन अब इन्हें लिंक करने से पहले हमें इनके बीच का रेशो पता होना काफी इंपॉर्टेंट है यानी इस फोर वैल्यू की स्पेसिंग पे हमारी विड्थ और हाइट एक्चुअली में कितनी होनी चाहिए अभी ये रेशो निकालना काफी हिट एंड ट्राई वाला प्रोसेस बन सकता है सो डू सेव टाइम मैंने इसका रेशो ऑलरेडी निकाल रखा है तो इसका रेशो ये है कि जो हमारी वेव विथ है वो हमारे ग्रिड स्पेसिंग की डबल प्लस टू होगी यानी इंटू टू एंड प्लस टू तो इसे लिंक करने के लिए मैं इसके स्टॉप वॉच आइकन पर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा और अब मैं इस पे पिक्विप से इसे इस ग्रिड स्पेसिंग के साथ लिंक कर दूंगा लाइक like दिस और अब हम यहाँ इसके आगे टाइप करेंगे इन टू टू प्लस टू इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करने के लिए हम कहीं भी बार क्लिक कर सकते हैं और यहाँ इंस्टेंटली हम अपनी इस वैल्यू को चेंज होता हुआ देख सकते हैं यह हमारी ग्रिड स्पेसिंग चार पे है इसको डबल करके आता है आठ और फिर इसमें दो ऐड करने पर हमारी वैल्यू आती है दस सो दैट मीन्स कि अगर हम इसकी वैल्यू को अगर चेंज भी करें तो हमारी वेव इसके साथ ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी मेंटेनिंग द राइट रेशो अब नेक्स्ट हम इसकी हाइट के रेशो को भी सिमिलर तरीके से ही सेट करेंगे सही रेशो के हिसाब से इसकी हाइट हमेशा इसकी विथ की आधी होनी चाहिए तो मैं यहाँ इस प्रेस करके क्लिक करूंगा और इसे इसकी विड्थ के साथ लिंक करके इसके आगे टाइप करूंगा स्लैश टू यानी डिवाइडेड बाय टू एंड दैट्स इट हम यहाँ अपने ग्रिड स्पेसिंग को कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और हमारा ये पैटर्न यहाँ हमेशा उसके हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा लेट्स ब्रिंग दिस ग्रिड स्पेस बैक टू फोर और यह हमारे स्वेटर का पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी हो गया बट अभी ये इतना सीधा और साफ होने की वजह से काफी अनरियलिस्टिक लग रहा है तो इसमें रियलिज्म ऐड करने के लिए हम इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑब्वियसली ये डिफॉल्ट से हमारे स्वेटर को काफी डिस्टॉर्ट कर रहा है इसे थोड़ा सटल करने के लिए हम इसके अमाउंट और साइज को चेंज कर सकते हैं इन दोनों में ही मैं टेन की वैल्यू एड कर देता हूँ एंड नाउ इट्स लुकिंग अ लॉट बेटर दिस वॉज बिफोर जहां ये एकदम सीधा सीधा था एंड दिस इज नाव बिफोर नाउ इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें बहुत ही बारीक धागे वाला टेक्सचर ऐड करेंगे बट वो करने से पहले अगर मैं इस ट्रांसपेरेंट ग्रिड वाले बटन पे क्लिक करूं तो यहां अपनी स्वेटर के बीच के ये ब्लैक एरिया को ट्रांसपेरेंट होता हुआ देख सकते हैं अब इस ट्रांसपेरेंसी से आगे थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसमें एक और इफेक्ट ऐड करेंगे दैट इज सॉलिड कंपोजिट इफेक्ट जैसे ये हमारे ट्रांसपेरेंट एरिया में एक सॉलिड कलर ऐड कर देगा ऑब्वियसली हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं

डायरेक्शन को करेंगे 90 पे और इसकी विथ को करूंगा 10 पे नेक्स्ट हम इसमें भी वेव वॉर्प इफेक्ट ऐड करेंगे और यहाँ हम काफी क्लियरली इस इफेक्ट का डिस्टोशन देख सकते हैं ऑब्वियसली ये भी एनिमेट होता हुआ आ रहा है तो सबसे पहले हम इसकी एनिमेशन बंद करेंगे बाय मेकिंग इट्स वेव स्पीड टू जीरो और नेक्स्ट मैं अब इसकी वेव टाइप को चेंज करूंगा आई एल मेक इट नॉइस टाइप और फिर हम इसकी हाइट और वेथ दोनों में ही थर्टी थर्टी की वैल्यू ऐड कर देंगे बट अभी यहाँ हम अपने इन एजेस को काफी डार्क होता हुआ देख सकते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सिंपली सॉलिड को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं लाइक like तो यहां भी, इस तो भी इसे सॉल्व करने के लिए मैं एक सॉलिड कंपोजिट इफेक्ट ऐड करूंगा एंड विल मेक इट्स कलर ब्लैक एंड नाउ थ्रेड टेक्सचर इज रेडी इसे हम अनसोलो करके ओवरले मोड पे ब्लेंड करेंगे हार्श रिजल्ट दे रहा है तो इसे थोड़ा सेटल करने के लिए हम इस सॉलिड की ओपेसिटी को कम करेंगे लेट्स मेक इट अराउंड एंड नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर दिस बिफोर एंड दिस इज विद विदेक्सचर बाद में मैंने इन सारे ब्लेंडिंग मोड्स को डिटेल में एक्सप्लोर करा है इस कोर्स में विद एग्जांपल्स। सो इफ यू वांट टू नो द पावर ऑफ दिस ब्लेंडिंग मोड्स देन डू क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अब अगर हम रेफरेंस के लिए किसी रियल स्वेटर को देखें तो उसमें काफी सारे छोटे छोटे धागे से निकल रहे होते हैं तो इन्हें भी हम अपनी स्वेटर में ऐड करने के लिए इसके ऊपर एक सॉलिड क्रिएट करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वाई इसको रीनेम करेंगे डस्ट एंड थ्रेड्स और इसमें हम डालेंगे फ्रेक्टल नॉइज इफेक्ट इसका मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा टू समथिंग लाइक सेवन हंड्रेड ब्राइटनेस को कम करेंगे टू समथिंग लाइक माइनस थ्री हंड्रेड और फिर यहाँ इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में जाके इसके स्केल को भी थोड़ा कम करेंगे लाइक like दिस ऑब्वियसली अगर आपको इस रेंडम टेक्सचर में और वेरिएशन चाहिए तो आप इस एवोल्यूशन को चेंज कर सकते हो टू अचीव डिफरेंट रिजल्ट गुड और अब इन से कुछ डॉट को एक धागे की तरह स्ट्रेच करने के लिए या मैं एक और इफेक्ट एड करूंगा दैट इज टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और ऑलरेडी हम अपने टेक्चर में हल्का बहुत चेंज आता हुआ देख सकते हैं मैं इसके अमाउंट और साइज को थोड़ा बहुत चेंज करूंगा लाइक दिस एंड आई थिंक राइट नाउ इट्स लुकिंग गुड और अब इसका ये ब्लैक पैटर्न आने के लिए हम इस लेयर को सिंपली स्क्रीन मोड पे ब्लेंड कर देंगे एंड दैट्स इट एंड दिस इज नाउ लास्टली मैं इस डल दिखने वाले इफेक्ट में जान डालने के लिए और इसे थोड़ा पॉप आउट करने के लिए कुछ स्टाइलाइज इफेक्ट एड करूंगा तो हम यहाँ एक और लास्ट एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे प्लस और इसमें इस अनशार्प मास्क इसके अमाउंट को कम करेंगे अराउंड ट्वेंटी पे और इसके रेडियस को करेंगे ऊपर काफी ऊपर अराउंड फोर हंड्रेड आई थिंक इट्स लुकिंग बेटर नाउ दिस ने हम यहाँ एड करेंगे ग्लो इफेक्ट इसका थोड़ा थ्रेश बढ़ाएंगे अराउंड सिक्सटी सेवन ग्लो रेडियस को भी बढ़ाएंगे लाइक like सो so. और इस ग्लो इंटेंसिटी को करेंगे कम एंड दैट सेट दिस वॉज विदाउट ग्लो एंड विद ग्लो लास्टली मैं इसमें थोड़ी विनियटिंग एड करूंगा बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग सीसी विनिएट इफेक्ट मैं यहाँ एड करूंगा सीसी स्पॉट लाइट इफेक्ट और जैसे कि हम यहां देख सकते हैं ये इफेक्ट एकदम स्पॉट लाइट की तरह ही काम कर रहा है हम इन पॉइंट से इस लाइट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं लाइक like दिस इसकी थोड़ी हाइट बढ़ाएंगे

अब ऑब्वियसली आप इस आर्टवर्क वाली कॉम्पोजिशन के अंदर जाके इस आर्टवर्क को चेंज कर सकते हो लेट्स लेट दिस हैरी पॉटर आर्टवर्क एयर एंड दैट इज मच एड यहाँ बार हमारा ये आर्टवर्क अब एक स्वेटर में कन्वर्ट हो जाएगा हम यहाँ अलग अलग आर्टवर्क के हिसाब से अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं लाइक like दिस और अब इसे कुछ इस तरह से एनिमेट करने के लिए हम इन लेयर को 3D में कन्वर्ट करके यहाँ एक कैमरा ऐड करके अपने इस आर्टवर्क को कुछ इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था बट फिर भी अगर कहीं दिक्कत है तो मैंने इस तरह की एनिमेशन को अपने गेटिंग स्टार्टेड विद आफ्टर वाले कोर्स में डिटेल में कवर किया है तो अगर आप आफ्टर वैक्स के बिगेनर्स इंटरमीडिएट वाले लेवल पे हो देन दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इस कोर्स के बारे में और जानने के लिए क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और इस थर्टी परसेंट का डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कूपन कोड एच एन वाय थर्टी ये कोड नए साल के पहले हफ्ते तक ही वैलिड है जनवरी, ऐसी और हाई क्वालिटी एड ट्यूटोरियल्स ट्यूटोरियल देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब एन एल सी इन द नेक्स्ट ईयर